वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सोलर कैप। तो सोलर कैप बनाने के लिए हमें चाहिए एक कैप जिसका ये सामने वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा हो और लंबा भी हो, क्योंकि हम इस पे सोलर पैनल फिट करेंगे। और सोलर पैनल है हमारे छोटे वाले सोलर पैनल हैं, ये 6 वोल्ट 80 mA के सोलर पैनल हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं 50-60 रुपये के अंदर। तो हमेशा ऐसे दो पैनल यूज करेंगे। ये हमारे पास दो सोलर पैनल हैं और हम इन दोनों को इस कैप पे 30 से 25 डिग्री के एंगल में इस तरह सामने ही फिट करेंगे। और इससे जो हम मोटर चलाएंगे वो हमारे कोरलेस मोटर हैं, ये बहुत ही हाई स्पीड मोटर होते हैं जो इन 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास पे ऑपरेट करते हैं। तो ये बहुत ही हाई स्पीड मोटर रहते हैं और इस मोटर को जो हम इस तरह से एंगल करके इसके नीचे सेट करेंगे ताकि जब भी सोलर पैनल पे जो हमारी धूप पड़ रही है अगर वो एनर्जी जनरेट करेगी तो उससे ये हमारे मोटर रन करे और हमारे चेहरे पे जो है वो हवा जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोलर पैनल का जो कनेक्शन है वो हम इसको सीरीज कनेक्शन करेंगे क्योंकि हमें एम्पियर इसकी बढ़ानी है। वोल्टेज तो हमारे सेम रहेंगे लेकिन जो एम्पियर है वो बढ़ जाएंगे। तो हमने इनको जोड़ लिया है प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। तो अब हम इसको कैप पे फिट करेंगे। कैप पे हम कुछ इसको 45 या 35 के आसपास के डिग्री के एंगल में इसको हम सेट करेंगे ताकि जो ये एंगल है ये ऑप्टिमम रहे सोलर पैनल को सोलर एनर्जी कैच करने के लिए। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। तो हम सोलर पैनल पे ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा के इसको इस कैप पे चिपका देंगे। पैनल सेट हो गए हैं और हमने इन दोनों वायरों को इस तरह से मोड़ लिया है। अब हम इन दोनों वायरों में ही ये अपना जो ब्रशलेस मोटर है इसको कनेक्ट करेंगे। को जोड़ लिया है, आप इनकी पोलैरिटी चेक कर लीजिएगा कि मोटर के उल्टा तो नहीं घूम रहा है ना, और जब मोटर सही से जुड़ गया तो उसके बाद इन वायरों को मोड़ के पीछे कर दीजिएगा। देखिए हमारा सोलर पैनल कैप तैयार हो गया है, सोलर कैप, और इसमें मोटर भी हमने सेट कर दी। ये हमारा छोटा सा मोटर है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि धूप में हमें थोड़ी बहुत हवा देता भी है या नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। अभी इसको हम पहन लेते हैं। इसको पहनने के बाद आप इस पंखे को थोड़ा सेट कर लीजिएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं।
देखिए, अगर इसको इस एंगल में रख रहे हैं तो बहुत तेज़ चल रहा है, और जैसे जैसे एंगल ऊपर हो रहा है स्लो चल रहा है, लेकिन अच्छी खासी हवा दे रहा है, ये स्पीड भी अच्छी है इसकी। इसे देखा, ये रही हमारी सोलर कैप जो धूप होने पे अच्छी खासी हवा दे रही है और आपको छांव में भी रख रही है। यदि आप इसको बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी सोलर पैनल, अगर इससे बड़ा आपको सोलर पैनल मिले तो आप इससे बड़ा ले सकते हैं, छोटा मिले तो छोटा ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन इसका कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।